अगली खबर आ रही है रीवा जिले के चुराहटा थाना क्षेत्र से, जहां भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप बरामद हुई है। पुलिस के द्वारा लगातार दूसरे दिन की गई कार्यवाही में एक और सफलता हासिल हुई है। इसके पहले चुराहटा थाना क्षेत्र के नरोरा में बड़ी कार्यवाही हुई थी, जिसमें लगभग 8 लाख रुपए नकदी और नशीली कफ सिरप बरामद हुई थी। की गई कार्यवाही के संबंध में एडिशनल SP अनिल सोनकर ने बताया कि चुराहटा थाना क्षेत्र के साव गांव में एक ऑटो संदिग्ध हालत में खड़ा मिला था, जिसकी तलाशी लेने पर 900 सीसी नशीली कफ सिरप बरामद हुई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी में रवि दाहिया, दिनेश सिंह के साथ 2 अन्य युवक हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि जिले में अवैध मादक पदार्थों का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। मुख्यमंत्री की घुड़की के बाद पुलिस प्रशासन की नींद खुली और लगातार आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। आइए सुनते हैं एडिशनल SP ने क्या जानकारी दी है। ग्राम साव में ऑटो से जो है संदिग्ध हालत में मिला, जिसमें तलाशी लेने पर 900 सीसी जो है फोरेक्स अवैध रूप से परिवहन और बेचने के लिए ले जाई जा रही थी, जिसमें 4 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनका नाम है रवि दाहिया, दिनेश सिंह सिसोदिया है एक, और गौरव पटेल। ये सब आसपास के लोग, गांव के रहने वाले लोग हैं और ये फोरेक्स के धंधे, अवैध धंधे में लिप्त थे। इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है फोरेक्स कहां से लाया गया है और कहां बेचने के लिए ले जाया जा रहा है, इसकी विवेचना अभी की जा रही है। इसमें जो है संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिश्ते को और गहरा बनाए समदड़िया, आभूषण का जादू है छाए।